लास्ट टाइम वी हैव डन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट आप लोगों ने की थी, वी हैव डिस्कस दैट। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टी की जो मैंने बताई थी, जैसे कि ऑर्डर प्रॉपर्टी हुआ और भी उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हुआ, तो उन्हीं से रिलेटेड वी आर डिस्कसिंग टूडे अबाउट द प्रॉपर्टीज, है ना। जो मैंने इसका आपको वर्कशीट दी है उस वर्कशीट में सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सो वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग ऑल दैट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट आपकी वर्कशीट में है, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द वंस कॉलम। इसका क्या मतलब है, सपोज आपके पास है 75 मल्टीप्लाइड बाई 15, सो दिस इज योर वंस, दिस इज योर टेंस, सो वी हैव टू स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज बाय द वंस पीरियड। तो हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया 5 5 25, इसका जो कैरी ओवर है वी उसको आपने टेंस के ऊपर प्लेस किया, 5 7 35, ये आ गया 35 और 2, दैट इज 37, ठीक है। अब उसके बाद ये है आपका टेंस प्लेस, आप इसको देखो, अगर ये क्या है, दिस इज द 75 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये फर्स्ट लाइन आपकी क्या शो करती है, 75 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दिस इज योर 375। नाउ यू हैव टू मूव टू द टेंस प्लेस, आपको वंस पे जाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई यू ऑलवेज पुट जीरो और क्रॉस। कुछ लोग क्रॉस लगाते हैं, कुछ जीरो लगाते हैं, कुछ ब्लैंक छोड़ देते हैं, सो वाई इज इट सो, क्योंकि अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं 75 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब क्या है, दिस इज योर 10 प्लस 5, ठीक है ना, सो दिस इज 75 मल्टीप्लाई बाई 10, सो दिस इज 1 5 5 1 7 7। वेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1 यू गेट द सेम नंबर एज अ प्रोडक्ट, इसको आपने प्लस किया यहाँ पर, सो यू आर गेटिंग 5 7 and 5, दिस इज 12, कैरी ओवर वंस अगेन 7 and 3, दिस इज, सो दिस इज योर प्रोडक्ट। ये क्या मिला आपका, प्रोडक्ट मिला, और दिस वी कॉल इज द मल्टीप्लिकेट, ये है आपका मल्टीप्लिकेट, दिस इज योर मल्टीप्लायर, ठीक है, और ये आपने एक्सपैंड किया। तो हमने इस प्रॉपर्टी में क्या देखा, वी हैव टू स्टार्ट ऑलवेज विद द वंस प्लेस, ठीक है। योर सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट हमने किया है वो क्या है, दिस इज फॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स व्हाइल वी मल्टीप्लाई 3 नंबर और मोर देन 3 नंबर, इट डज नॉट होल्ड फॉर लेस देन 3 नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स यू आर टेकिंग 3 नंबर्स, 75 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो वट डज इट मीन, यू कैन से दिस इज, this is 75 multiplied by 10 multiplied by 3. तो ये आपका minimum you require 3 numbers for this property, ठीक है। Now next is your the product obtained after multiplication, जो आप next point उसमें पढ़ोगे, ये वाला शायद मैंने आपको worksheet में नहीं दिया है, इसको वैसे ही ध्यान रखना कि more than 3 numbers are required for the associative property. Associative means association of the more than 3 or more than 3 numbers. इसके बाद है आपका the product obtained after multiplication. अभी आपने कोई भी ये आपने product लिया ना, this product is ये इन दोनों का product, ठीक है ना, this is the product of 75 and 15 का product क्या है आपका, ये, ठीक है, ये किसका product है आपका, 75 मल्टीप्लाइड बाय 50। इस प्रॉपर्टी में ध्यान से देखो, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर मल्टीप्लिकेंट एज वेल एज मल्टीप्लायर। एक केस आपको और आता है कि या ये उसके बराबर हो सकता है, उसके बराबर कब होगा, प्रोडक्ट बराबर कब होगा, जब आप सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करें तब तो प्रोडक्ट बराबर होगा, सेम प्रोडक्ट यू आर गेटिंग एज द नंबर, 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया यू गेट द सेम नंबर, दिस इज 75, ठीक है। अगर आप इसको किसी और नंबर से करेंगे, आपने 2 से किया यू आर गेटिंग 150, 150 भी 75 से और 2 से दोनों से बड़ा है, सो व्हाट डज इट मीन कि आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे इट विल बी ग्रेटर। एक आपका सिर्फ एक्सेप्शनल केस कब आता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0, अगर आपने 75 को 0 से मल्टीप्लाई किया इन दैट केस यू गेट द प्रोडक्ट एज लेसर देन द मल्टीप्लायर और द मल्टीप्लायर, क्या आ गया 0 आ गया,
क्योंकि हमें पता है हमारी प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय जीरो सो यू गेट प्रोडक्ट एज अ जीरो। ठीक है, इसके बाद हमने एक और उसमें पॉइंट डाला है, ये सारे आपके क्या है मल्टीप्लीकेशन के ही आपके प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना एक और वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहां पर है एक डाला है व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 और 1000 एसेट्रा द प्रोडक्ट हैज एज मेनी जीरोस ऑन द राइट ऑफ द नंबर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 किया, यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने जीरो आए, मिनिमम जितने जो जीरो मल्टीप्लायर में है वो तो आए गए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम बहुत पहले कर चुके हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी की है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में उतने ही जीरो होंगे। अभी हमने लिखा 750 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, इसमें कितने प्रोडक्ट हैं, सो दिस इज योर 75 1 2 3 3 0, टोटल कितने जीरो आ गए, 4 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपके किसमें दिए, आपके वर्कशीट में दिए। ठीक है, व्हाइल मल्टीप्लाइंग विद जीरो इन अ क्वेश्चन इट इज नॉट नेसेसरी टू शो द जीरो मल्टीप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल है आपका 3 0 8 0 4 0 7। ठीक है, अब इसमें ये जरूरी नहीं है फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, फर्स्ट लाइन में आएगा 3 0 8 0 मल्टीप्लाइड बाय 7। सेकेंड लाइन में क्या आएगा 3 0 8 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। थर्ड लाइन में क्या आएगा 4 0 7 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये आएगा आपका 3 0 8 0 मल्टीप्लाइड बाय 400, है ना। तो ये शो करना आपको जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इसका कैसे कर सकते हो, 0 7 8 56, भाई यहाँ गया 0 है तो 56 डायरेक्ट आ गया, 7 3 21। अब आप यहाँ 0 0 लगाकर क्या करोगे, बेटर है आप इस लाइन को स्किप कर दो और इसकी जगह पहले ही यहाँ पर ये वाले 2 0 लगते, ठीक है ना, फिर 1 0 ये वाला, यानी कि आपको 1 2 3, आपको इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लीकेशन आपने स्टार्ट किया उसके पहले आपने 1 2 3 जीरो लगा, फिर आपने क्या किया 4 8 जा 24, 24 पर 2, 4 3 जा 12, ऐसे 0 6 5 5 4 and 1। ये देखो दिस इज 4 8 24 sorry not 24 30, हमने ये वाला पूरा जो स्टेप है ये हमने स्किप कर दिया। अगर नहीं करते तो ये सारे क्या आते, जीरो हो जाते, क्यों, व्हेन एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो यू गेट जीरो। तो हम यहाँ पर वंस के बाद सीधा 100 प्लेस भी आप लिख सकते। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रॉपर उसमें वर्कशीट में आपका नेक्स्ट पॉइंट है रिमेम्बर करने वालों में वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, मल्टीप्लाई व्हेन द वैल्यू ऑफ वन आइटम इज गिवन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सच मेनी आइटम। आप वर्ड प्रॉब्लम जब भी आप रीड करते हो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े हैं, स्टेटमेंट हमेशा क्या होते हैं, जैसे मैं आप ही की बुक का एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 61, ट्यूशन फीस ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल इज ₹6,375 पर चाइल्ड। अगर एक बच्चे की फीस ट्यूशन फीस स्कूल में गिवन है तो नेक्स्ट उसने क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फीस कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। तो 35 स्टूडेंट्स की जो एक स्टूडेंट की फीस है वही 35 स्टूडेंट्स की होगी ना, सो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, फीस जो गिवन है वन स्टूडेंट की 6375, क्योंकि आपको
सेम फीस कैलकुलेट करना है फॉर द 35 स्टूडेंट्स, सो यू आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 35। स्टेटमेंट्स का बहुत ध्यान रखना, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पढ़नी है, और हमेशा जब भी आपको एक आइटम की कॉस्ट दी है, एक अमाउंट के बारे में बताया है और सेम आपसे नंबर ऑफ आइटम ज्यादा पूछे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और एक है आंसर, हमेशा वर्ड प्रॉब्लम का पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, आपको पता नहीं लास्ट टाइम कैसे लिखते थे तो वैसे ही लिखना है। और जैसे एक क्वेश्चन है आपका, मोबाइल फोन कॉस्ट रुपीज 8,940, है ना, तो कैसे स्टेटमेंट बनाओगे, कॉस्ट ऑफ आप ही की बुक का क्वेश्चन है ये, दिस इज एक्सरसाइज 5.2। जिन लोगों के पास बुक नहीं भी है, सब पे मेथड एक जैसा ही होता है, तो इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सो दिस इज अ मोबाइल फोन कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन, वन मोबाइल इज रुपीज 8,940, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 24 मोबाइल्स इज रुपीज 8,942 मल्टीप्लाई बाय 24। वाई 24? क्योंकि आपको 24 मोबाइल की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा यू हैव टू राइट इन फुल स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ 24 मोबाइल्स इज दिस मच, ऐसे पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, कोई भी डाउट हो अपने डाउट सेशन में पूछ लेना, और टेबल्स बहुत अच्छे से लर्न करना। एक क्वेश्चन है मैंने इसमें दिया है आपका, एडिंग 45। एक और क्वेश्चन है आपकी की वर्कशीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन इज एडिंग 45 टू इट्सेल्फ 100 times gives dash। इसका क्या मतलब है, एडिंग 45 टू इट्सेल्फ, यानी कि खुद को ही एड करना है कितने टाइम्स, 100 times। आपको मल्टीप्लीकेशन के स्टार्टिंग में क्या बताया था, दैट इज मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। तो इसका क्या मतलब है, 45 को आपने 100 टाइम्स ऐड किया है, सो व्हाट डज इट गिव यू, इट गिव यू 45 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस विल गिव यू 45 को आपने 100 टाइम्स ऐड किया तो इसका क्या आंसर आया, 4,500, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। एडिंग 45 को ऐड किया कितने टाइम्स, 100 times, कितने टाइम्स ऐड किया, 100 times, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। एक और है, हाँ इसी तरह का एक और क्वेश्चन होगा तो उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस तभी अच्छी होती है जब आपको टेबल्स लर्न हो, ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जिससे कि कोई गलती ना हो, ठीक है। डाउट सेशन में अपने डाउट्स पूछ।